सो हेलो गैस, कैसे आप सभी। मैं हूं जो, और आप देख रहे हैं विस्की गेमिंग। सो गैस, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं हमारे जुलाई का लाइट पास और हमारे नेक्स्ट इनक्यूबलेटर का बंडल कौन सा होने वाला है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सो गैस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल एंड तक देखना, वरना बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर दोगे। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबाकर ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. तो गाइज, आपको इसे लाइट पास का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और गाइज, हमारे इसे लाइट पास में सबसे पहले एक कार की स्किन, फिर एक नॉर्मल सा अवतार और फिर एक यूएमपी की बिना एट्रीब्यूट की स्किन और फिर एक नॉर्मल सी फीमेल की जैकेट जो कि हर एक लाइट पास में मिलती है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और फिर गाइज, उसके बाद एक नॉर्मल सा बैनर जो कि मेरे को ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। फिर एक नॉर्मल सी शर्ट है जो कि गाइज ये भी मेरे को कुछ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जो कि हर लाइट पास में दी जाती है। और फिर गाइज, उसके बाद है हमारा फीमेल का बंडल, जो कि गाइस ये बंडल थोड़ा फिर भी ठीक ठाक है, यहाँ तक कि हमारे जून के लाइट पास के बंडल के कंपैरिजन में। मैं आपको इस बंडल की एक एक चीज़ अकेले में सिंगल में दिखा देता हूँ। गाइस, इस बंडल का टॉप मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इस बंडल में सबसे अच्छा इसका टॉप ही है, जो कि गाइस इसके चश्मे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगे मेरे को, चश्मे भी नॉर्मल से हैं और इसके बाल भी मेरे को कुछ अच्छे नहीं लगे, सिर्फ मुझे को इस बंडल का टॉप अच्छा लगा है। और गाइस, जो हमारी अगली चीज़ है वो है गाइस एक नॉर्मल से बैट की स्किन। और फिर गाइस, उसके बाद आती है हमारा सर्फ बोर्ड की स्किन। गाइस, इसे लाइट पास में आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया सर्फ बोर्ड है। उसके बाद है गाइस एक नॉर्मल सी शर्ट। और फिर गाइस, उसके बाद हम आते हैं एक नॉर्मल से वापस से बैनर की तरफ, जो कि गाइस ये बैनर भी मेरे को अच्छा ही लगा। फिर गाइस, आप देख सकते हैं ये ग्रेनेड की स्किन। गाइस, ये ग्रेनेड की स्किन मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, इसे बियर बॉटल के टाइप में दिया गया। और फिर गाइस, ये लूट बॉक्स आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया लूट बॉक्स है। फिर गाइस, बिना लाइट पास लिए एक वो बैनर। फिर गाइस, हम उसके बाद बढ़ते हैं हमारे बैकपैक की स्किन की तरफ। गाइस, आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया बैकपैक की स्किन है, जो कि गाइस सबसे अच्छा मेरे को लेवल थ्री पर लगा है, कितना ही बढ़िया बैकपैक की स्किन थी वो। और फिर गाइस, उसके बाद एक नॉर्मल सा बैकपैक की स्किन, जो कि गाइस ये ठीक ठाक है, पर गाइस जो एलाइट पास वाला बैकपैक है उसकी बात ही कुछ अलग है। फिर गाइस, हमारा मेल का बंडल। गाइस, आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा है ये बंडल, आप देख सकते हैं इसके बाल कितने बढ़िया। मैं आपको एक एक चीज़ सिंगल में दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये बंडल कितना ही अच्छा लग रहा है। मेरे को ये बंडल जून के लाइट पास के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा लगा, ये बंडल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और ख़ास करके मेरे को पूरा लाइट पास ही जून के लाइट पास के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा लगा। इसमें बहुत ही बढ़िया सर्फ बोर्ड है, इसमें बहुत बढ़िया लूट बॉक्स है। और गाइस, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बैजेस होने वाला है इस लाइट पास का, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऐसे ही बैजेस होने वाले हैं इस लाइट पास के, ये कुछ बुल सिंह के टाइप का है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट इनक्यूबलेटर के बारे में। आप देख सकते हैं ये होने वाला है हमारा नेक्स्ट बंडल का इनक्यूबलेटर। वैसे तो हमारा नेक्स्ट इनक्यूबलेटर होने वाला है M60 गन स्किन का, जो कि होने वाला है हमारी रैम्पेज की थीम के ऊपर। पर जैसा कि आप सभी को पता है, हर अपडेट में दो इनक्यूबलेटर आते हैं और ये होने वाला हमारा बंडल का इनक्यूबलेटर। आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया एनिमेशन है इसमें, इसके पीछे एक रिंग टाइप की घूम रही है, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ये हमारा इनक्यूबलेटर का येलो बंडल, जो कि इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं होने वाला, ये एक सिंपल सा बंडल होने वाला है जिसके पीछे सिर्फ रिंग घूमेगी। और गाइस, मेरे ख्याल से तो ये बंडल सबसे नीचे वाला होने वाला है, मतलब गाइस हमारे जो सबसे ऊपर वाले के लिए हमें सबसे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, उसमें सबसे ज़्यादा एनिमेशन रहता है, इसमें कोई एनिमेशन नहीं है। तो गाइस, मेरे हिसाब से ये सबसे नीचे वाला इनक्यूबलेटर बंडल होने वाला है। और गाइस, हमारा एक और इनक्यूबलेटर बंडल है, वो है ये। गाइस, आप देख सकते हैं इसमें सबसे तगड़ा एनिमेशन है, आप देख सकते हैं कैसा लाइटनिंग टाइप की इसके चेस्ट पे हो रहा है, इसके रिंग कितना सबसे अलग है। गाइस, इसके रिंग में कुछ अलग ही बात है। गाइस, ये बंडल मेरे को सबसे अच्छा लगा। सो गाइस, आपको इस इनक्यूबलेटर का सबसे बेस्ट बंडल कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और क्या आपके हिसाब से जुलाई का लाइट पास हमारे जून के लाइट पास से बेटर था और हमारे जुलाई के लाइट पास की सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक अगस्त का लाइट पास नहीं देखा तो उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।